भाइयों और बहनों, मैं रोशनी कुशल जायसवाल आप सबको बताना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने वाले हमारे बनारस के सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर अपने भाषणों में यही कहकर सत्ता में आए थे कि हिंदू धर्म खतरे में है। और आज 7 साल होने वाला है भाजपा सरकार को शासन में आए हुए, और सच में सबसे ज़्यादा हिंदू ही खतरे में हैं। 12 करोड़ हिंदुओं की नौकरी चली गई, मंदी में 10 करोड़ हिंदुओं के व्यापार चले गए, जीएसटी आने से न जाने छोटे व्यापारी हिंदू भाइयों के पेट पे लात पड़ी है, नोटबंदी ने न जाने कितने हिंदुओं की जान ले ली, बिन तैयारी के इतने लंबे लॉकडाउन ने अनगिनत हिंदुओं के घर तबाह कर दिए। 130 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश भारत में, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी हिंदू भाइयों का ही हुआ है बाकी सारे धर्मों के मुकाबले। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार की वजह से हिंदू ही खतरे में हैं। हिंदू खतरे में है या नहीं, जो सच्चे देशभक्त हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और जो सच्चे अंधभक्त हैं वो भी अपने भक्ति के चश्मे को उतार के कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दें। और मैं आप सब से भी पूछना चाहती हूँ कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, बेरोजगारी कम हुई कि नहीं हुई, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिले कि नहीं मिले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मिली कि नहीं मिली, GDP 10% से ऊपर हुई कि नहीं हुई, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में गए कि नहीं गए, $1 = 1 रुपए हुआ कि नहीं हुआ। मुझे 21 दिन दीजिए, कोरोना चला जाएगा, कोरोना गया कि नहीं गया। अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 90 लाख भारत देशवासी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चल रहा है हमारा देश भारत, और न जाने कब अमेरिका को पिछाड़कर पहले नंबर पर चला जाएगा हमारा देश भारत, ये बात कोई नहीं जानता। और आप सब बताइए कि भाजपा सरकार को लाने का कोई फायदा हुआ ही नहीं, हिंदू भाई भी खतरे में हैं, तो फायदा आखिर पहुंचा तो पहुंचा किसको? मैं बताती हूँ, जितने भी सांसद हैं भाजपा के, जितने भी विधायक हैं भाजपा के, जितने भी पार्षद हैं भाजपा के, वो सब माला माल हो चुके हैं, और मोदी जी अपने मित्र अंबानी अडानी जैसे लोगों की झोलियां भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं बनारस में रहती हूं, और बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था मोदी जी ने। क्योटो छोड़िए, हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, आके देख लीजिए हमारे बनारस के सांसद मोदी जी का बनारस।